घर में भी इतना महंगाई में भी सब्जी आ रहा है कि नहीं, और किसका घर में नहीं आ रहा, किसके घर में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और स्क्वाश इधर, स्क्वाश और भिंडी, भिंडी क्या बोलते हैं बोलो। चलिए तो दाल भात चोखा और कुंदरी का भुजिया। हम लोग का बिहार में ना दाल भात चोखा बहुत फेमस है, दाल भात चोखा, दाल भात भुजिया, ये आलू का मतलब। तो अभी ये दो बैगन और पकाना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जो भी हमारा सब्सक्राइबर ब्लॉगर हैं, न्यू यूट्यूबर हैं या न्यू सब्सक्राइबर जो होने वाले हैं, वो सब खुले अच्छे रहना चाहिए वो सब। और अभी हम लोग भी शाम का टाइम है, क्या रेसू? हाँ, अभी हम तो बोल ही दिए। और क्या बोलना था आपको? और क्या रेसू बोलना? सुनिए, दादू गए थे बाजार और बाजार से बहुत सारे सब्जी लाए हैं, आम लाए हैं, स्क्वाश लाए हैं, बोतल गल लाए हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं? चलिए आप। हाँ, ये महंगाई के दौर में भी हम लोग सब्जी खरीदे हैं अभी मार्केट से आज। और केला भी लाए हैं, दिखाएंगे। अरे रे रे रे, इधर छोटा बाबू है जो नीचे में बैठ के देख रहा है आप सभी को, देखिए। और इसका हाथ में, और अभी हम लोग इधर हैं और बाबू अभी, और बाबू जब हम लोग वीडियो बनाते थे बहुत देखता है मोबाइल को, देखिए देखिए कैसे देख रहा है, छोड़ दो ये, ऐसा कर देखता है लग रहा मोबाइल ले लेगा। और अभी आप लोग हमारा ब्लॉग पे बने रहिए, और भी आगे कुछ बहुत कुछ है देखने को मिलेगा। आज बहुत धूप निकला था टाइट, तो बहुत दिन, दो तीन दिन के बाद आज धूप ऐसा निकला था, नहीं तो डेली तो बारिश हो रहा था, मौसम अच्छा नहीं था, जो कपड़ा नहीं सूख पा रहा था हम लोग घर का। तो ऊपर एक तार दिख रहा ना, इतना बांधा हुआ सारा कपड़ा सुखाने के लिए, क्योंकि बाहर उतना जगह नहीं है। तो मौसम जब खराब होता है, मतलब बारिश होता है, तो हम लोग इसी तार में डेली का कपड़ा सुखाते हैं। देख रहे हैं, एक दो और इधर तीन, देखिए तीन चार दिन, देखिए तीन चार दिन से धोया हुआ था, मतलब आज जाके सुखा कपड़ा, बाबू का कपड़ा तो नहीं फलिया है। यही देखे हम लोग का डेली यूज का, जिसमें रीना जी कपड़ा रखते हैं डेली यूज करने के लिए, और डेली हम लोग उसको निकालते हैं। हम लोग आपको आपको पहले वाले भी ब्लॉग में दिखाए, हाँ पहले वाला भी ब्लॉग में हम लोग दिखाए थे। तो अभी चलिए आप लोगों को ले चलते हैं हम जो मार्केट करके लाए हैं पापा, तो दिखाते हैं आज इतना महंगाई में भी मार्केट हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। बहुत महंगा मार्केट है, और मार्केट नहीं है, बहुत हाँ, महंगा सब्जी नहीं, है। मार्केट भी है यार, मार्केट महंगाई मार्केट है, पहाड़ी मार्केट है, चोर बाजार नहीं है, महंगा मार्केट है और महंगा भी सब्जी है। तो पापा लाए हैं जो देख रहे हैं बाहर में जो नीचे में रखा हुआ, अभी आपको दिखाते हैं सब्जी जो है क्या क्या लाए हैं। और एक चीज जो है नहीं ला पाए जो कि बहुत महंगा है, क्या है वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज जो घर में सब्जी खरीदा का है आपको दिखा रहे हैं, और क्या क्या आया है और क्या नहीं आया है। देखिए ये रहा लौकी, हाँ, और एक केला, हाँ रे सब तुम इंग्लिश में बोलेगा सब, हाँ इंग्लिश में सब बोलो, केला, केला का इंग्लिश में क्या बोला जाता है? और बनाना, हाँ, और इसको क्या बोलता है? मिर्ची को, मिर्ची को ग्रीन चिली, और इधर कुंदरी है, देखिए कुंदरी को तो पता नहीं रिशो। और स्क्वाश इधर, स्क्वाश और भिंडी, भिंडी क्या बोलते हैं बोलो, जल्दी बोलो। ओकला, ओकला और करेला को, देखिए करेला, करेला, करेला कौन सा कार्ड है, कौन सा कार्ड है, बीटर कार्ड, हाँ। और इधर वो बोधी को, अच्छा ठीक बोधी, इधर आम, आम को मैंगो, अच्छा और पत्ता को भी, बंदा को भी, और पटल को, पटल को भी नहीं पता। अच्छा, और बैगन को, बैगन को क्या बोलते हैं, ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल। और ये खीरा को, खीरा को बचपन में बहुत बोलता था बोलो, हाँ। धनिया पत्ता को, कोरिएंडर लीफ, कोरिएंडर लीफ, अच्छा। इधर नींबू को,
लेमन। हाँ, और आदि को? आदि को नहीं पता। बताओ। नहीं बता। गार्लिक। गार्लिक। हाँ, तो लगभग सब ऋषु बता दिया, यहाँ जितना सब्जी आया सब बता दिया। इतना महंगाई में, लेकिन एक चीज इसमें नहीं दिख रहा है, टमाटर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो 200 रुपए किलो है। और उधर में भी रखा हुआ देखो, वो आलू है, आलू क्या बोलते हैं? पोटैटो। हाँ, और उधर प्याज भी रखा हुआ, प्याज को क्या बोलते हैं? अनियन। हाँ, अनियन। तो इतना सारा इशू बता दिया आप सभी को, और एक चीज़ नहीं बताया जो कि टमाटर, क्योंकि है नहीं वो, तो अभी इसको हम लोग रखेंगे, क्योंकि इतना सारा सामान को एक हफ्ता तक हम लोग को चलाना रहता है, क्योंकि एक हफ्ता बाद ही फिर मार्केट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसके लिए हम लोग ये इतना सारा आपको दिखाएं, एक हफ्ता का अपना सब्जी मंडी। तो आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी के घर में भी इतना महंगाई में भी सब्जी आ रहा है कि नहीं, और किसका घर में नहीं आ रहा, किसके घर में आ रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग इतना लाए हैं एक हफ्ता के लिए। रिशु दिखा रहा है मोटू पतलू रिंग्स, ये सारा सब्जी रिशु घर में खाएगा, क्या रिशु? तो आप लोग ब्लॉग तो बने रहिएगा आगे भी। हाँ देखिए, सब्जी ले लो, सब्जी क्या चीज का सब्जी ले लो, सब्जी का सब्जी, रिशु को बोल नहीं सक रहा है। तो आप लोग ब्लॉग को बने रहिए, अब इसको हम लोग रखेंगे दिखाएंगे। और सानू देखिए सब्जी के लिए वो भी खेलने आया, सब्जी में खेल रहा है, सब्जी पकड़ के खेल रहा है अभी। अरे बहुत बैठ जा, बैठ। हाँ बैठ के अभी खेल लिया, वो भाग रहा है, देखो इधर आ, इधर आ, है आ जा, आजा। रिशु को काम मिला, देखिए प्लास्टिक में सब अभी रखेगा, और उसका उसको फ्रिज में रखेगा। हाँ अस्कोस, ये ब्लैक प्लास्टिक हम लोग लाए हैं बिहार से, क्योंकि सिक्किम में मिलता नहीं है। और बिहार में तो बहुत ज्यादा मिलता है। क्या ये प्लास्टिक? हाँ सही बोला, और बाबू देखे माँ के गोदी में बिस्कुट खा रहा है। क्या खा रहा है? बिस्कुट, बिस्कुट। भूख लग गया उसको, अपने से खा रहा, देखिए ना, खिलाने नहीं दे रहा। इधर इधर सीनू, सानू, हमेशा सीनू आवाज निकलता है मुझसे। इधर रिशु भी अपना काम में लगा हुआ है, हाँ मिर्ची डाल रहा है। अरे मम्मी के अब गोदी में अब खाएगा, क्या देखिए बिस्कुट कैसे खा रहा है, भूख लग गया इसको। उधर रिशु को साथ दे रही है मेरी माँ, इधर सारा सब्जी रखने में, और रिशु तो डिस्टर्ब ही कर रहा है दादी को ज़्यादातर। एक ही में रखना सारा मेरे लिए। ए तुम छोड़ दो, दादी को दो रखने के लिए बेटा, भिंडी रखो, भिंडी। हाँ हेल्प करो दादी को, और हेल्प करने के बाद फिर तुमको क्या करना है, होमवर्क। हाँ एक हफ्ता चलेगा फ्रिज में रख देने से। अब जिसका घर में फ्रिज ना रखो, उतना सब्जी रखने से खराब हो जाएगा, उसको तो डेली खरीदना पड़ेगा, फ्रिज रखने का यही फायदा है। हाँ पहले हम लोग बिना फ्रिज के ही रखते थे। तो फ्रेंड देखिए हम लोग का ये फ़ैन कितना अच्छा साफ़ हो गया, अभी मेरे हस्बैंड जी साफ़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैला हो गया था, तभी पूरा साफ़ हो गया है। और खिड़की पे जो लगा हुआ था ना कप, मतलब क्या बोलते हो पेपर, वो भी हटा दिए। तो चलिए अब मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। देखिए ये है कुंदरी, देख कर तो जान ही गए होंगे। तो ये कुंदरी का सब्जी नहीं सॉरी भुजिया अच्छा लगता है, तो इसका भुजिया बनाऊँगी और दाल चावल बनाऊँगी। आज सबका मूड है चावल खाने का, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल। रात में ऐसे तो हम लोग के घर में डेली रोटी बनता है रात को, लेकिन आज मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं चावल खाने के लिए, तो आज चावल बनेगा, दाल चावल भुजिया। और वहाँ बैगन रखे हैं हम, देखिए बैगन का चोखा लगाएंगे।
और हम रिशु को पढ़ा रहे थे अभी, तो हम ब्लॉग नहीं बनाए उसका पढ़ने का, क्योंकि ब्लॉग बनाने के टाइम में ना, मतलब ब्लॉग जब बनाने लगता है तो वो पढ़ाई छोड़ देता है, मतलब बोलने लगता है, पढ़ाई छोड़ के ब्लॉग में ही बहुत कुछ बोलने लगता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता इसी के कारण। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। अभी बाबू सोया हुआ था छोटा वाला, जो उठ गया है अभी, उसके पापा के गोदी में है, तो हम फटाफट से बना लेते हैं। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो देखिए इधर मैं चावल ले ली हूँ, अब चलिए उसको बैठा देती हूँ धोकर इसको। तो देखिए फ्रेंड इधर हम चावल चढ़ा दिए हैं, मेरा देखिए चावल चढ़ा दिए हैं, इधर कुंदरी को मतलब चढ़ा दिए हैं, और इधर बैंगन हम पका रहे हैं, बैंगन पका लेते हैं उसके बाद दाल चढ़ाएंगे। तो दाल भात चोखा और कुंदरी का भुजिया, हम लोग का बिहार में ना दाल भात चोखा बहुत फेमस है, दाल भात चोखा, दाल भात भुजिया, ये आलू का मतलब। तो अभी ये दो बैंगन और पकाना है, तो तीन टो बैंगन पकाएंगे। टमाटर तो अभी इतना महंगा है तो टमाटर अभी आया नहीं है, और बैंगन का चोखा बस ऐसे ही लगाएंगे लहसुन वगैरह डालकर। तो आज खाना में यही है चावल, और सानू लगता है बाहर है अभी। सानू देखिए अभी आ रहे हैं, आएगा रूम, अभी ऑफ किए हैं अभी लाइट। देखिए सोया हुआ था अभी उठा है, अब पापा का गोदी में है। देखिए फुर फुर करने सीखा है आजकल, कर दे वो बोल देता पापा पापा बोलो तो, आजकल सीखा है पूरा, मतलब न्यू न्यू एक्टिविटी पूरा सीख रहा है, मतलब पापा पापा को मार दिया दांत से, आजकल बैठता भी है अपने से, फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा पौड़ता है वो ठेवना पे, थोड़ा चलता भी है, और बोलने भी लगा है थोड़ा बहुत, एक दो वर्ड। हाँ गर्मी है तो क्या होगा, है ना बेटा, गर्मी है चलता है, गंजी से काम चलाना पड़ेगा, है ना हो, है ना हो। तो अभी पापा बाबा माँ ऐसे बोलता है ना, बोलो तो पा 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 बोलता बेटा, अभी फुर फुर कर रहा है। फुर फुर, इधर देखो इधर देखो, बोलो पापा बा दा 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 दा। अरे हम इधर कैमरा ला रहे तो उधर भाग रहा है। आप लोग दिखाए थे बैगन पकाते हुए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बैगन कैसे निकाला जा रहा है और कैसे चोखा लगाएंगे इसको, कैसे मतलब सबको जानता है। हाँ मतलब काला ऊपर का छिलका हटा के उसके बाद निकाला जा रहा है, बहुत गर्म है, रेडी हो रहा है। अब चावल भी दाल भी बिठा दिए, दाल कहाँ, दाल कढ़ाई में, अच्छा कढ़ाई में बन रहा है दाल, इधर रेडी हो रहा है। बाबू सोने वाला है ना, इसलिए कुकर में नहीं बैठाए, क्योंकि कुकर का आवाज होगा तो फिर उठ जाएगा, नींद में है थोड़ा। हाँ एकदम समझदारी है ना दोस्तों, आज चावल खाने का मन कर रहा था, तो आज हम लोग तो घर में चावल ही बना है, और रीना जी निकाल लें सारे फैमिली लोग खाने के लिए, चावल निकल रहा है और साथ में सब्जी वगैरह जो भी निकलेगा तो वो भी दिखाएंगे क्या हम लोग खाते हैं। तो दोस्तों चावल खाने का मन था इसलिए चावल बनाया है, दो तीन दिन से मूड कर रहा चावल खाने का, तब तो पीठा बना था इसलिए आज चावल बना है। तो रीना जी निकाल रहे हैं खाने के लिए, सारे लोग खाएंगे और परिवार लोग, देखिए अभी रीना जी सारे थरिया मारा हुआ निकाल रहे हैं। तो दोस्तों खाना जो है निकल चुका है, देखिए सारे लोग का, रीना जी निकाल दिए हैं, एक दो तीन चार, देखिए क्या है, मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ, दाल चावल कुंदरी का भुंजिया और बैंगन का चोखा। तो बनाते समय दिखाई है, हाँ बनाते समय रीना जी दिखाए हैं। तो दोस्तों आप लोग को दिखाए हमारा का खाना, हमारा आज रात का खाना, हम लोग का पूरा परिवार का, तो बोलना यही है कि अगर नए सब्सक्राइबर होंगे कल फिर मिलेंगे।